चीज मैं फिर से अभी आप लोगों को बोल रहा हूँ, आगे क्लास हम लोग शुरू करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मुझे आंसर नहीं मिलते हैं, ठीक है। उनका मतलब आप मुझे, मैं श्योरिटी चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो प्रॉपर, ठीक है। क्योंकि देखो, आप जब स्कूल खुलेगा आपको काफी कम समय मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। हम बता दे रहे हैं फिर से, हमारे पास बहुत सारे लोग आए थे कि सर इस बार मौका दे दीजिए, अच्छे से 12th में हम लोग पढ़ेंगे, 11th में नहीं ठीक से पढ़ पाए ये। बट अगर यही चीज आप चलाओगे तो फिर बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि देखो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जो भी पूछता है एग्जामिनर, आपका सेंटर भी जा सकता है प्रैक्टिकल एग्जाम में इस साल, क्योंकि लास्ट ईयर वो चांसेस प्लानिंग चल रही थी बट सीबीएसई ने नहीं भेजा था। इस साल आपका सेंटर भी चला जाएगा, तो हो सकता है आपकी अच्छे से एग्जाम हो जाए केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और बायो का। उसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा। हाँ चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे हेनरीज लॉ के बारे में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ के बारे में। तो देखो, कल तो ये होमवर्क हो गया था, ये सब हो गया था। चलो, ये है हेनरीज लॉ। तो हम लोगों ने देखो पिछली क्लास में सॉल्युबिलिटी के बारे में ये पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी गैस की जो होती है वो प्रेशर बढ़ाने पर इंक्रीज करती है। सॉल्युबिलिटी जो गैस की होती है वो प्रेशर बढ़ाने पर इंक्रीज करती है। तो इसी के अकॉर्डिंग हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट ने अपना एक लॉ दिया था। हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने अपना एक लॉ दिया था। तो वो लॉ जो ये था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सप्लेन्ड बाई हेनरीज लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो जैसे जो प्रेशर, अगर हम लोग जैसे ऑक्सीजन को मान लें, अगर हम लोग ऑक्सीजन को गैस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो उसकी मोल फ्रैक्शन, जो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन है लिक्विड में, वो बढ़ेगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XO2। तो इसको बराबर करोगे तो एक हम लोग कॉन्स्टेंट लेते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं जिसकी वैल्यू होती है हेनरीज कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। तो देखो, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स जो है, ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। मैंने आपको मोल फ्रैक्शन निकालना बता दिया था पिछली क्लास में, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला यू विल बी एबल टू डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। सो दिस हेनरीज लॉ इज क्लियर टू एवरीवन दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस अबव द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन। तो चलो चलते हैं, कुछ सवाल लगाते हैं इस पे। देखो, ये एक एनसीईआरटी का सवाल है। पहला जो सवाल मैंने लिखा है थर्ड नंबर पे, ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है, ये एक एनसीईआरटी का सवाल है जिसमें लिखा है कि H2S इज अ टॉक्सिक गैस विद रॉटन एग लाइक स्मेल। HCl, H2S जो है हाइड्रोजन सल्फाइड जिसका नाम होता है, ये एक टॉक्सिक गैस है जिसकी महक जो होती है वो सड़े अंडे की तरह होती है। इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस इफ द सॉल्यूट इन वाटर एट एसटीपी इज 0.19 मोलर। ये मोलल, स्मॉल m किसको डिनोट करता है आपको पता होगा, स्मॉल m जो डिनोट करता है वो मोलैलिटी को डिनोट करता है। स्मॉल m किसको डिनोट करता है, मोलैलिटी को डिनोट करता है। तो इसकी कंसंट्रेशन 0.195 मोलल दी हुई है। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट पूछा गया है, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर ये चीज कैलकुलेट करनी है, तो कैलकुलेट हो जाएगा सबसे। ट्राई कर रहे हो तुम लोग, ट्राई कर रहे हो तुम लोग कि बताऊं? बताइए सर, एक बार ट्राई करो सर, एक मिनट ट्राई करो अपने से। सर, P इक्वल टू के एच एक्स यही फार्मूला लगेगा ना? हाँ हाँ वही, P इक्वल टू के एच एक्स। हाँ, बट यहाँ पर देखो ट्राई कर रहे हैं।
हुई है, यहाँ पर दिया हुआ है मोलैलिटी। हाँ तो देखो इस चीज को प्रिंट कर रहा हूँ, मोलैलिटी वर्ड जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। चलो तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, 0.195 मोलल मीन्स 0.195 मोल्स ऑफ H2S इन 1000 ग्राम वाटर। बिकॉज मोलैलिटी का क्या मतलब होता है, अमाउंट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यही होती है मोलैलिटी की डिफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो हियर 0.195 मोलल मींस 0.195 मोल्स ऑफ H2S इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है अमरेश निकाले हो, देखते हैं क्या आता है। हाँ तो 0.195 मोल्स ऑफ H2S इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S सबसे पहले निकालना है। सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्योंकि H2S गैस को किसमें मिला दिया गया है, वाटर में मिलाया गया है। H2S गैस को किसमें मिलाया गया है, वाटर में मिलाया गया है। अब यहाँ पर देखो 0.195 मोलैलिटी से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही कि 0.195 मोल्स, तो आपका 0.195 मोल दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S अपॉन में 0.195 प्लस। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालोगे तो 1000 ग्राम वाटर दिया हुआ है। 0.195 मोलल का मतलब 0.195 मोल्स ऑफ H2S डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ओके ये दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जब आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो 1000 गिवन वेट अपॉन अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इट इज इक्वल टू 55.56 के आसपास आएगा। कितना आएगा, 55.56 के आसपास आएगा। तो आपकी ये वैल्यू आप यहां पर 55.56 कर दो तो 0.195 अपॉन में 55.755 आंसर आएगा। ठीक है तो आप नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन ऑफ H2S के लिए आप क्या करोगे, 0.195 डिवाइडेड बाय 55.755 कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा समथिंग अप्रोक्सीमेटली 0.0035 आएगा। ठीक है ये नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S आ गया। अब यहां पर देखो STP पर प्रेशर दिया हुआ है, STP पर यहाँ पर प्रेशर दिया हुआ है। तो प्रेशर एट STP हमेशा कितना, STP मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज इक्वल टू 1 bar। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है ये 0.987 bar के बराबर होती है। तो हम लोग यहाँ पे 1 bar भी लेते हैं बट चलो इसी को लेके करते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स ऑफ H2S होगा। तो प्रेशर की वैल्यू दी हुई है 0.987 बार, आप रख लेना। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S अभी आपने ये निकाल लिया है, जब आप वैल्यू रखोगे तो KH की वैल्यू क्या आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 282 बार आएगी। कितनी आएगी, 282 बार आएगी। तो ये आंसर इसका आ गया, आंसर ये आ गया। तो देखो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले H2S गैस जो थी ये वाटर में डिसॉल्व है। अब गैस है ये H2S, इसको वाटर में डिसॉल्यूशन तभी बढ़ेगा जब इस पर हम प्रेशर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हेनरीज लॉ गवर्न होता है। तो हेनरी लॉ क्या बोलता है, गैस का प्रेशर ओवर द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। बट यहाँ पर H2S की मोलैलिटी दी हुई है, एल फॉर लंडन वाली मोलैलिटी दी हुई है, जिसका मतलब यहाँ पर जो है H2S की मोलैलिटी दी हुई है, जिसका मतलब होता है 0.195 मोलल इज इक्वल टू 0.195 मोल्स ऑफ H2S इन 1000 ग्राम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S दिया हुआ है, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी आप निकाल लोगे क्योंकि 1000 ग्राम है वाटर। तो आप 1000 बाय 18 करोगे, 55.56 आएगा। इन दोनों डेटा से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकाल लिए। अब इस STP पर प्रेशर हमेशा दिया हुआ, एट STP यहाँ डायरेक्ट लिख
दिया है इसकी वैल्यू होती है 1 बार, ये आपको हमेशा ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी। तो अब आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे वैल्यू रख के इस तरह की चीजें निकाल लोगे, ठीक है। तो आई थिंक द आंसर इज क्लियर टू एवरीवन। अब जो दूसरा सवाल है होमवर्क पे, इसको आपको घर से करना है, सारे लोगों को ये वाला सवाल घर से करके हमको भेजना है कि हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट फॉर CO2 इन वाटर गिवन है, हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेयर CO2 एट 298 केल्विन, यहां पर दिया हुआ है। तो क्वांटिटी ऑफ सोडा वाटर आपको निकालनी है, यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडा वाटर यहां पर आपको निकालना है, ठीक है। और उसके बाद ठीक है सोडा वाटर, हाँ क्वांटिटी ऑफ अनदर CO2 पूछा है क्या क्वांटिटी, हाँ क्वांटिटी ऑफ CO2 एक्चुअली पूछा गया है। तो क्वांटिटी ऑफ CO2 आपको यहाँ पर निकालनी इन 500 ml सोडा वाटर। तो यहाँ पर देखना कि नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वाटर के 500 ml में आधे हो जाएंगे, क्योंकि देखो 500 ml का वेट होता है 500 ग्राम, 1000 ml का वेट होता है 1000 ग्राम, ये हमेशा याद रखना। ये सब चीजें आप लोग फिजिक्स में पढ़े हुए हो, जो यूनिट कन्वर्जन होता है वॉल्यूम में, कि 1 ml इक्वल टू 1 ग्राम के बराबर होता है। अगर आप 1 ml लिक्विड लोगे और उसका वेट करोगे तो 1 ग्राम के बराबर आएगा। तो इसी तरह से 500 ml 500 ग्राम के बराबर आता है। तो 500 ग्राम के बराबर आता है तो आप इजिली यू विल बी एबल टू कैलकुलेट, ओके। तो आपको ये होमवर्क करके दिखाना है, ये वाला होमवर्क आप लोगों को सारे लोगों को करके भेजना है। उसके अलावा एनसीईआरटी में बहुत सारे इनटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में बहुत सारे इनटेक्स्ट के सवाल दिए हुए हैं, वो भी आपको करना है। एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए हुए वो भी करना है, क्योंकि देखो एक सवाल इस जगह से आना फिक्स है, बोर्ड एग्जामिनेशन में एक सवाल यहाँ से हेनरीज लॉ से आना फिक्स है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इस सैटरडे, कमिंग सैटरडे को हम आपका एक टेस्ट जनरेट करने जा रहे हैं, हम आपका एक टेस्ट जनरेट करने जा रहे हैं, जो कि टेस्ट आप लोगों को ऑनलाइन देना है। आप लोग जैसे ही सबमिट करोगे हमारे पास सारा रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं वो टेस्ट जनरेट करूंगा, मैं फ्राइडे को वो लिंक आपको भेज भी दूंगा। तो आप लोगों को सैटरडे को वो टेस्ट सारे लोगों को अपने घर से देना है, ठीक है। और उसमें टाइम चलता रहता है, आपको इतने मिनट में अगर नहीं दे पाओगे क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, स्किप कर जाता है। इसलिए आप लोग को अपने से करना है, उतने ही टाइम में करना है। तो हम टेस्ट हम जल्दी ही सैटरडे को जनरेट कर देंगे। तो जितना अब तक फ्राइडे तक हम लोग पढ़े रहेंगे सबका आपको टेस्ट देना होगा, क्लियर। तो आपको समझ में आ गया यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? यश? यस सर। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर पर, ठीक है। आगे हम लोग आ जाते हैं वेपर प्रेशर पर आते हैं। तो देखो वेपर प्रेशर क्या होता है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। वैसे हमारे पास राहुल सला के पास के लिए बहुत सवाल है, तो कल की क्लास में हम लोग मेनली क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देंगे। थोड़ा सा वेपर प्रेशर और अभी आगे भी पढ़ेंगे, बट अगली क्लास में हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे ध्यान देंगे, हाँ, ताकि थोड़ा सा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे उतना ज्यादा आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखो वेपर प्रेशर क्या होता है, मान लो हमारे पास एक लिक्विड है अल्कोहल, एक लिक्विड है हमारे पास अल्कोहल, ये हमने एक बीकर में अल्कोहल कोई भी भर दिया। आप लोगों ने अल्कोहल के बारे में फील किया होगा, ये अल्कोहल है, अल्कोहल के बारे में आप लोगों ने फील किया होगा कि जब भी हम लोग अल्कोहल अपने या स्पिरिट अपने हाथ में लेते हैं तो हमें ठंडक का महसूस होता है, और थोड़ी देर बाद जो होता है वो अल्कोहल उड़ जाती है, अल्कोहल उड़ जाती है। क्यों अल्कोहल उड़ जाती है, खत्म हो जाती है? उसका रीजन ये है कि अल्कोहल इज अ वोलेटाइल कंपाउंड। अल्कोहल क्या है, वोलेटाइल कंपाउंड है, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके गैसियस वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब वो आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा ठंडा का भी महसूस होता है, ठंडक का भी महसूस होता है। तो दैट इज द रीजन, क्योंकि अल्कोहल क्या होता है, वोलेटाइल होता है। तो कोई भी वोलेटाइल लिक्विड अगर आप लिक्विड किसी बीकर में लोगे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो लिक्विड के, ये देखो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स जाते हैं वेपर्स में, किसमें चले जाते हैं,
वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। जब ये वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, ये लिक्विड पार्टिकल अब वेपर में आ गए, तो वेपर में आने के बाद ये लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर लगाते हैं, लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर लगाते हैं, और इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बन के आ रही है, हमारे सेंटेंस पे ध्यान देना, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस। तो देखो द प्रेशर, दिस इज द प्रेशर, दिस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। सी, ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है किस पे कर रहा है, सरफेस पे करता है। तो वेपर प्रेशर एक सरफेस फिनोमेना हुआ, क्या हुआ, सरफेस फिनोमेना। अगर हम लोग सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हर कंडीशन का वेपर पेपर प्रेशर नहीं लिया जाता, कि मान लो अभी आपने लिक्विड लिया और तुरंत वेपर जो बन रही है उसका वेपर प्रेशर लिया जाए, हमेशा हम लोग एक पर्टिकुलर कंडीशन आती है जिस टाइम हम लोग प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत हमने लिक्विड लिया बीकर के अंदर और तुरंत उसका जो प्रेशर आ रहा है उसको कैलकुलेट करने लगे, नहीं, जब वो वेपर प्रेशर स्टैटिक हो जाए, क्योंकि इनिशियली क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि जब आप फ्रेश फ्रेश अल्कोहल को आप लोग लोगे बीकर के अंदर, फ्रेश अल्कोहल को, तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो जाएंगे अभी वेपर फेज में, फिर इनिशियली देखो जीरो है वेपर प्रेशर क्योंकि कोई पार्टिकल नहीं है, अब धीरे धीरे इसके पार्टिकल्स वेपर्स में जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, इस पर एक्सर्ट करना प्रेशर शुरू करेंगे, तो इनिशियली वो प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करेगी, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि और ये जो पार्टिकल है ये वापस फिर लिक्विड में आते रहते हैं, तो एक ये साइकिल बनी रहती है। और जब एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, जब ये लगता है कि एक स्टैटिक प्रोसेस दिखाई दे रही है, तब जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर एक्सर्ट बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना कि वेपर प्रेशर कब कैलकुलेट किया जाता है, हमेशा वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया जाता है एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन, जब रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाता है। हाँ, क्योंकि जितने पार्टिकल्स आपके वेपर में जा रहे हैं उतने ही पार्टिकल्स वापस वेपर से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में, तब आप जो प्रेशर देखोगे वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट हो जाएगी, बट इनिशियली वेपर प्रेशर प्रेशर इंक्रीज करता है, बट जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। यश कुमार, यस यश कुमार, हाँ, इक्विलिब्रियम पे जो रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर हो गई कि देखो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, एक बीकर में आप एक वोलेटाइल लिक्विड ले लो, वोलेटाइल लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होंगे, वोलेटाइल होते हैं, मतलब वोलेटाइल मतलब वो लिक्विड से वेपर में जाएंगे, वो लिक्विड से किस में जाएंगे, वेपर में जाते हैं, फिर वो वेपर से वापस लिक्विड में आते हैं, तो देखो इवेपोरेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है, तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों रेट बराबर नहीं हो जाए, जब बराबर हो जाती है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है, इस वक्त जो लिक्विड के पार्टिकल्स सरफेस पर जो प्रेशर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेपर प्रेशर बोलते हैं। और वेपर प्रेशर एक सरफेस फिनोमेना है, वेपर प्रेशर इज अ सरफेस फिनोमेना, ये हमेशा याद रखना, इज अ सरफेस फिनोमेना, मतलब अगर हम लोग सरफेस एरिया बढ़ा दें, अगर हम लोग अल्कोहल को एक गिलास पानी एक गिलास में लें या एक बड़े से ड्रम में लें, तो बड़े से ड्रम में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि बड़े से ड्रम का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, देखो बड़ा सा ड्रम का मुंह इतना बड़ा होगा और ग्लास का मुंह इतना बड़ा होगा, तो देखो सरफेस एरिया इसका कम है और इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो इसी यही कॉन्सेप्ट जो है सरफेस एरिया के, जो ये कॉन्सेप्ट है इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे आगे की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ने में। अमरेश, कैन बी टेकन एनी, नो नॉट एनी लिक्विड, इट विल बी यूज्ड ओनली फॉर वोलेटाइल लिक्विड, बस्ट इवन सम ऑफ इवन वाटर इज हैविंग सम वोलेटाइल प्रॉपर्टी बट इट इज वेरी लेस, it is very less, we can say negligible, so not can be taken any liquid like, but the liquid which are having some volatile property, there only those liquids exert a vapor pressure, okay, so lekin agar hum log heat kare kuch changes karte hain
टेम्परेचर का, तब भी लिक्विड्स में वोलेटाइल प्रॉपर्टी आ जाती है क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के उनमें एनर्जी आने लगती है जिसकी वजह से पार्टिकल वेपर फेज में जाना शुरू कर देते हैं। तो वो हम लोग या तो बाई वर्चू लिक्विड के अंदर वोलेटाइल प्रॉपर्टी हो जैसे एल्कोहल है, या हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करके वोलेटाइल नेचर उसमें ले आ दें ताकि उसके पार्टिकल्स के पास एनर्जी पहुंच जाए। तो आपको वेपर प्रेशर के बारे में समझ में आ गया है कि वेपर प्रेशर इज द प्रेशर दैट इज exerted on the surface of liquid. Vapor pressure is the pressure that is exerted on the surface of liquid. Okay? तो आज हम ज्यादा क्लास नहीं ले रहे हैं क्योंकि आज थोड़ी तबीयत हमारी नहीं सही लग रही है, ठीक है? तो आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ। कल जो है हम लोग क्या करेंगे, वेपर प्रेशर की थोड़ी नोट्स भी दिखाएंगे आपको क्या होता है, और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होने की वजह से मैं क्लासेस ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो आई विल डू टुमारो मैं वेपर प्रेशर पढ़ाऊंगा और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाऊंगा, और इसमें हम लोग डिराइव करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे और उस पर भी न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो फिलहाल आज का जो होमवर्क है आपको पूरी, एक तो मैंने होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिया है, और उसके अलावा आपको क्या करना है, पूरा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है सवाल या रेफरेंस बुक में दिया हुआ है, जो मेरे पास रेफरेंस बुक है उसमें अप्रोक्सीमेटली 15-16 सवाल दिए हुए हैं हेनरीज लॉ के, और सारे सवाल एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के, जैसे 2.39 का एक्सरसाइज है उसको कर लेना आप लोग, ठीक है? एक्सरसाइज नंबर 2.39 कर लेना, एक्सरसाइज नंबर आप लोग कर लेना 2.13 करना, ठीक है? तो ये सब एक्सरसाइज जो है ये हेनरीज लॉ पर है, हेनरीज लॉ पर है, इनको आप लोग घर से कर लेना, क्लियर? तो आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट है? नो सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो कल इसी टाइम पर आना है, 11 बजे सारे लोग आना। हाँ, कल की क्लास थोड़ी, आज की भी क्लास इम्पोर्टेंट थी क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सवाल सॉल्व करना सीखा है हेनरीज लॉ का, बट और भी सवाल करना, और आप लोग तैयारी शुरू करो क्योंकि मैं सैटरडे को टेस्ट आपको असाइन कर रहा हूँ आपके ऐप पर, जो हाईक्यू क्लासेस का ऐप है या जो हाईक्यू क्लासेस आप कंप्यूटर से एक्सेस करोगे, दोनों में आपको वो टेस्ट दिखाई देगा, ठीक है?